नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु के स्पेशल सेगमेंट में और आपके साथ में हूं प्रियंका। दोस्तों आज की तारीख क्रिकेट जगत और क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में आज हम आपको आज ही की तारीख के दिन क्रिकेट जगत में रचे गए इतिहास के बारे में बताएंगे और साथ ही उस खिलाड़ी के बारे में भी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात है 23 साल पहले 7 फरवरी 1999 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक मैच हुआ था। ये मैच हुआ था दिल्ली के फिरोजशाह कोटला, जिसे अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। इस मैच में ही पाकिस्तान की टीम को भारत के एक ही गेंदबाज ने ढेर कर दिया था और इस गेंदबाज का नाम है दोस्तों अनिल कुंबले। बता दें कि भारतीय टीम के दिग्गज स्पिनर गेंदबाज अनिल कुंबले ने आज ही के दिन पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट की आखिरी पारी में 10 विकेट अपने नाम किए थे। दरअसल 1999 में पाकिस्तान की टीम भारत दौरे पर दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए आई थी और इस सीरीज का पहला मुकाबला जो है वो चेन्नई में खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान को 12 रन से रोमांचक जीत मिली थी। बता दें दोस्तों कि टीम इंडिया को पहले टेस्ट मैच में जीतने के लिए चौथी पारी में 271 रन का टारगेट मिला था। टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन फिर सचिन तेंदुलकर मैदान पर जमे रहे और इस मैच में सचिन ने 136 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान जब टीम इंडिया का स्कोर 294 का था और भारत को जीत के लिए सिर्फ 17 रन बनाने थे, तो सचिन तेंदुलकर सकलेन मुश्ताक की गेंद पर वसीम अकरम के हाथों आउट हो गए। इसके बाद भी टीम इंडिया के हाथ में 3 विकेट थे और उन्हें केवल 17 रन बनाने थे, लेकिन सचिन के आउट होने के बाद 4 रन के अंदर ही टीम इंडिया के 3 विकेट गिर गए और भारतीय टीम 12 रन से जीता हुआ मैच हार गई। ऐसे में भारतीय टीम के पास सीरीज बराबर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो पहली पारी में भारत की तरफ से अनिल कुंबले ने 4 विकेट झटके थे। 80 रन की बढ़त के बाद भारत ने दूसरी पारी में 339 रन बनाए और पाकिस्तान के सामने 420 रन का टारगेट रखा और इसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी और सईद अनवर ने दमदार शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 101 रन जोड़े और पहला विकेट अनिल कुंबले को मिला। और दोस्तों इस पहले विकेट के बाद तो जैसे विकेटों की झड़ी लग गई और एक के बाद एक पाकिस्तानी बल्लेबाज पवेलियन जाते गए। और दोस्तों ताज्जुब की बात तो ये थी कि हर एक विकेट जो था वो अनिल कुंबले को ही मिल रहा था। ऐसे में एक चोर से कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अनिल कुंबले को मैदान पर लगाए रखा और यही वो वक्त था जब टीम इंडिया ने इतिहास रचा, क्योंकि पाकिस्तान के सभी बल्लेबाजों को अनिल कुंबले ने अकेले ही आउट कर पवेलियन भेज दिया था। उस मैच में पाकिस्तान की टीम 207 रन पर ढेर हो गई थी और भारत ने मैच को 212 रन से जीत लिया था और इसी के दम पर भारत ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज भी 1-1 से बराबर कर ली थी। बता दें दोस्तों कि लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने पहली पारी में 24.3 ओवर की गेंदबाजी की थी, जिसमें 4 ओवर की गेंद में 75 रन देकर 4 विकेट उन्होंने अपने नाम किए। वहीं दूसरी पारी में अनिल कुंबले ने 26.3 ओवर की गेंदबाजी की थी, जिसमें 9 ओवर की गेंद फेंकी थी और 74 रन देकर पाकिस्तान के 10 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा था। इस तरह अनिल कुंबले ने मैच में कुल 14 विकेट अपने नाम किए थे और इसके बाद मैन ऑफ द मैच का खिताब भी उन्होंने अपने नाम किया था। वेल दोस्तों टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा दूसरी बार था जब एक ही गेंदबाज ने सामने वाली टीम के सभी खिलाड़ियों को आउट किया हो। 1999 से पहले 26 जुलाई 1956 को इंग्लैंड की टीम के गेंदबाज जिम लेकर ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को अकेले ही ऑल आउट किया था और इनके बाद अनिल कुंबले का नाम आता है और अभी तक कोई भी एशियाई गेंदबाज एक पारी में 10 विकेट नहीं चटका पाया है। किसी गेंदबाज ने 9 तो किसी ने 8 विकेट एक पारी में जरूर अपने नाम किए हैं। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।